Assalamualaikum, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वीकेंड ब्रंच पर खुशामदीद कहते हैं। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, प्यारों के साथ होंगे और आपका जो गुजरा हुआ हफ्ता है वो बहुत ही अच्छा गुजरा होगा, उम्मीद कर सकते हैं। और जो आने वाले दिन हैं वो भी बहुत अच्छे आप लोग के अल्लाह करे रहें। हमेशा की तरह आज भी हमने बहुत प्यारे प्यारे से मेहमान बुलाए हैं और हम वही मेरी कोशिश ये होती है कि कुछ ऐसे लोगों से हम मिलवाएं जिनसे आपको भी कुछ सीखने का मौका मिले और हमें भी मिले। तो ज़्यादा मैं जो है उस पर बातों में आज वेट नहीं करूँगी, क्योंकि आपने जो स्टार्ट हमारा म्यूज़िक से सुना आपको पता चल गया होगा कि कितने ही क्लासिकल हमारे पास जो है आज सिंगर्स भी मौजूद हैं। लेकिन टॉपिक अनाउंसमेंट मैं आपको जो है वो कर देती हूँ कि आज हम बात करेंगे, वो मैं बात करूँगी कि करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के, जो हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए कितनी ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस रखती है। और उसके साथ साथ आजकल जो अगर हम टूरिज़्म के हवाले से बात करें तो कहाँ पर वो चीज़ डिपेंड कर रही है, लोग कितना उसको प्रेफर कर रहे हैं, कौन लोग उनको नहीं प्रेफर करें। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स लाइफ में ऐसे आए हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी यूथ है, वो बहुत लेज़ी हो गए हैं, हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं और हमारे पास टाइम इतना ही होता है कि हम लोग बस अपने काम ख़त्म करें और बस बाकी चीज़ें करें। हमारी कोशिश ज़्यादा ये होती है कि बस हम लोग रेस्ट करें। मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ कि मेरी भी लेज़ीनेस इतनी ज़्यादा हो गई। एक तो पहले 6 माह का वो जो कंजेस्टनेस हम लोगों ने गुजारी, इतने हम कंजेस्टेड थे घर में कि कुछ होता ही नहीं था करने के लिए, क्या करें। बस सुबह उठो, घर का काम भी अगर आप करो तो वो मेड भी आ रही है, तो आप कितनी देर घर का काम कर सकते हो? बस टीवी देखो, सो और दैट्स इट। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हमने देखा हालात बेहतर होना शुरू हो गए, हर चीज़ इवेंट्स जो है वो ओपन हो गए, हमारे जो टूरिज़्म कंपनीज़ हैं वो ओपन हो गई, लोगों के कारोबार दोबारा बहाल हो गए। लेकिन फिर से कोरोना ने अपना जो है वो ज़ोर आहिस्ता आहिस्ता जो है पकड़ना शुरू कर दिया। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे इदारे, बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे मदारिस इस वक्त जो है वो बंद हो चुके हैं। तो मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें, क्योंकि जितनी केयर आप अपनी खुद कर सकते हैं, बाहर से कोई बंदा आके आपकी केयर नहीं करेगा, तभी आप लोग जो है वो अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द अज जल्द ये बीमारी और ये जो आफत पाकिस्तान पे आई है वो ख़त्म हो। अभी मैं बढ़ना चाहूँगी मेहमानों की तरफ, ताकि सुबह सुबह जो आपकी जो मॉर्निंग है ना उसको हम ज़रा फ्रेश कर दें, क्योंकि वैसे इतना हैटिक हुआ वह होता है पूरा हफ्ता। अगर मैं हाउसवाइफ की बात करूं तो उनके सर पे भी जिम्मेदारी, शोहर को नाश्ता, बच्चों की टेंशन, लेकिन जब वीकेंड आता है तो वो पुरसकून हो जाती हैं कि नहीं, आज हम लोग ने जो है वो ज़रा लेट उठना है, साथ में ब्रेकफास्ट करना है। और जो जितनी भी आपकी प्लानिंग होती है वो वीकेंड पे ही हो रही होती है, चाहे आपने वो घूमना है, आपने कोई एक्टिविटी प्लान की है, आपने कोई गेम प्लान की है, आपका कोई इवेंट प्लानिंग है, तो वो मोस्टली हम लोग ने देखा है कि वो वीकेंड में ही होता है। और फिर हम भी आप लोगों के साथ होते हैं ताकि आपके वीकेंड को मज़ीद अच्छा, प्यारा और वो स्माइली वाला बना लें। तो मैं अपने मेहमानों की तरफ चलती हूँ। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है अहमद साकी, जो कि सिंगर हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। वो अभी स्टार्टिंग में अभी तो सिर्फ कहते हैं ना एक ट्रेलर था, आगे आगे देखिए होता है क्या। अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। तबला नवाज, जब भी कोई सिंगर होता है, क्योंकि बैंड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, कोई भी सिंगर है उनके, चाहे वो गिटारिस्ट हैं, चाहे वो तबला नवाज़ है, वो कोई भी है, सिंगर के साथ ये चीज़ें जो इनके इंस्ट्रूमेंटल जो बंदे होते हैं ना, बड़ी मेन इंपॉर्टेंस उनकी जो है वो मायने रख रही होते हैं। और इस तरह तबला नवाज़ जो हैं इनके साथ वो हैं अली रज़ा। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? वैसे बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, बड़ा अच्छा आप लोगों ने स्टार्ट लिया, लेकिन लेट्स सी आगे क्या क्या हमें सुनने को जो है वो मिलता है। हाजरा ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि टूरिज्म कंपनी चला रही हैं, वो प्लानेड, और एक टूर हमारा भी इनके साथ हुआ, वो पैकेजेस भी आज मैं आपको दिखाऊंगी, उसके बारे में मैं डिस्कस भी करूंगी कैसा वो रहा, किस तरह का रहा, क्या लोगों के रिस्पांस था और हाजरा का वो एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम हाजरा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। बहुत ज़्यादा मैंगो का कलर है ना, और वैसे येलो कलर होता भी बड़ा फ्रेश है, और जितनी भी हम फीमेल्स को देखें, येलो हो गया, पिंक कलर हो गया या ब्लैक कलर हो गया, तो ये फीमेल के वैसे इतने मोस्ट फेवरेट होते हैं, और हर लड़की उसमें बड़ी प्यारी लग रही होती है, और आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। इनके साथ हमें ज्वाइन किया है गोल्फ प्रोफेशनल, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो है ये काम कर रहे हैं, यासिर मुश्ताक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच यासिर, आप आए और आपने हमें टाइम दिया इतनी दूर की, आपकी ट्रैवलिंग भी थी, स्पेशली आप कराची से जो है वो यहाँ पर आए, ठीक है अपने काम की वजह से, लेकिन आपने यहाँ हमारे लिए टाइम निकाला, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अच्छा सर, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, मुझे आप थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो मौसीकी की तरफ आपका इंटरेस्ट है कैसे डेवलप हुआ, कोई फैमिली का था, मतलब कोई था सिंगर या नहीं? फैमिली में तो नहीं था, वैसे मुझे शौक़ था, पहले लिखने का शौक़ था, गाने वगैरह। अच्छा, आप लिखते भी हैं?
जी, और उसके बाद फिर ये गाने की तरफ। सही सही जी। तो ज्यादा सपोर्ट किसकी तरफ से मिली फैमिली में? मुझे रोका किसी ने भी नहीं, रोका किसी ने भी नहीं, सब ने अप्रिशिएट किया। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वैसे ज़्यादा अगर हम मीडिया की या मीडिया से रिलेटेड जितने भी फील्ड्स की बात करें, डिमोटिवेशन अक्सर आपको ज़्यादा मिल रही होती है, मोटिवेट करने वाले लोग बड़े कम होते हैं। हाजरा आप करती हैं टूर जो है वो प्लान करती हैं, मैं भी गई, बड़ा इंजॉय किया। लेकिन अभी मुझे ये बताओ, क्योंकि आपने देखा कि पहले कोरोना ख़त्म हो गया लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो दोबारा उसकी तरफ जा रहा है, तो आप लोग अभी जो टूर लेके जा रहे हो या जो लोग आपके इंटरेस्टेड हैं आना चाहते हैं लेकिन वो इन चीज़ों की वजह से डर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? ऐसी कौन सी एस ओ पीज़ है जिनको आप लोग प्रेफर कर रहे होते हो या उनको देख रहे होते हो? एक्चुअली जो एस ओ पीज़ हैं उनको फॉलो कर रहे हैं हम लोग, जैसे सैनिटाइज़र जो है वो हम लोग खुद भी रख रहे हैं पास, और बाकी सबको भी कहते हैं कि वो पास रखें, ताकि ये होता है कि हम जहाँ भी जाते हैं चेक पोस्ट पे वो चेक करते हैं, मास्क रख लेने चाहिए और सैनिटाइज होने चाहिए आपके हाथ, और सैनिटाइज़र भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें थोड़ी सी जो है वो हम लोग प्रेफर करते हैं कि वो कस्टमर को भी कि वो लेकर आए साथ अपने, और हम लोग भी देते हैं। तो मैं तो एक्स्ट्रा हमेशा लेके जाती हूँ चीज़ें, ताकि कस्टमर भी। लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्योंकि अभी जैसे जैसे आपको पता है कि चेंजेस दोबारा वही चीज़ें दोबारा आना शुरू हो गया, तो अभी की जो आवाम है वो क्या रिस्पॉन्स दे रही है टूरिज़्म की तरफ? काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि आपको पता है एस ओ पीज़ की वजह से भी काफ़ी लोग जो एस ओ पीज़ फॉलो करते हैं और जो इस कोरोना की वजह से डरे हुए हैं, तो ओबियसली उन्होंने नहीं आना, वो नहीं प्रेफर करेंगे इन चीज़ों को। लेकिन ये कि अच्छा है, लेकिन 50-50 अभी, और जैसे वो सख्ती होगी तो ओबियसली चीज़ें और कम हो जाएंगी, और कमी आ जाएगी इन चीज़ों में। बट अल्लाह करे कि ये हालात बेहतर हो जाएँ, क्योंकि अभी अभी कहते हैं ना कि जो बिजनेसमैन थे या जितने भी वर्कर्स थे, उन्होंने अभी सर उठाना शुरू किया था कि वो दोबारा अपनी इनकम की तरफ, उनकी चीज़ें वापस आ, कि दोबारा ये होगा तो पता नहीं अल्लाह जाने क्या होगा। सर आप मुझे बताएं कि यू आर अ प्रोफेशनल गोल्फर, आपने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो आपने काम किया, तो क्योंकि अभी जो मैंने जिक्र किया कि हमारी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, तो आप इसको खेलते भी हैं, आप जो है लोगों को सिखाते भी हैं, तो अभी किस लेवल पे ये चीज़ जो है हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ किस लेवल पे जा रही हैं पाकिस्तान में? देखिए अभी कोरोना में बहुत लोग परेशान थे, तंग थे, और जैसे ही खुला है तो लोगों ने बहुत तेज़ी से इसको ज्वाइन किया। अभी जैसे अगर मैं गोल्फ़ में हूँ तो गोल्फ़ की बात करूँ तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मेम्बर्स हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं, और एक तो एक्सरसाइज है ये, ठीक है, दूसरा ये है कि ये बहुत हेल्थी गेम है, आप किसी वक्त भी खेल सकते हो, और गोल्फ वाहिद ऐसी गेम है पूरी दुनिया में जो डिस्टेंस के साथ खेली जाती है। और इसमें आप मैक्सिमम जब कोर्स पे खेलने जाते हैं लोग, मैक्सिमम 4 लोग जा सकते हैं, तो ये बहुत इसमें लोग आ रहे हैं, और बच्चे भी आ रहे हैं, लेडीज़ भी आ रही हैं, तो इसके सबसे क्योंकि हमारी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, हमारे बच्चे भी एक मशीन बन के रह गए हैं, मतलब ये है कि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म हो गई हैं, पेरेंट्स हैं तो वो भी बाहर भेजने से डर रहे हैं, स्कूल वाले हैं तो वो भी उन चीज़ों को प्रेफर करते हैं, जो छोटी छोटी सी गेम्स थी जिनसे मेंटली और फिज़िकली वो फिट रह सकते थे, तो वो चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई। और आप मेरे ख्याल से कि मैं भी गोल्फ को ही प्रेफर करूँगी, क्योंकि जो चीज़ें इसमें आप बता रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मौजूद है, 4 बंदों से ज़्यादा अंदर आपको अलाउ नहीं करते, तो आई थिंक सो इट शुड बी बेटर। जो लोग देख रहे हैं तो जो मतलब जो एक्टिविटीज़ करते हैं आप लोग इसकी तरफ जाएँ। बोरियत थोड़ी सी होती जा रही होगी क्योंकि बातें बड़ी रूखी सूखी से, और जो हमारा टॉपिक है वो भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव, इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें अभी हम लोग इतने डिप्रेशन में दोबारा जाना शुरू हो गया, क्योंकि एक वो डिप्रेशन का लेवल बहुत हाई हो गया था कि आप उससे निकल नहीं पा रहे थे, हर चीज़ में आप बहुत ज़्यादा वो हो गए थे, कॉन्शियस हो गए थे हम लोग। तो इस कॉन्शियसनेस के साथ साथ हम सुनते हैं पहले ज़बरदस्त था एक गाना अहमद साहब से, और फिर मैं अपनी बातों को आगे की तरफ लेके जाऊँगी। एक तू हो एक मैं हूँ, दूजा चन दी चो अखियां विच गल बात होवे, बस अखियां विच गल बात
ना तुम बोले अच्छी जो है आपकी आवाज़ और बहुत अच्छा आप लोगों ने गाया है, लेकिन साथ साथ ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के फौरन बाद हम वापस आते हैं और मज़ीद अपनी चर्चा स्टार्ट करते हैं वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰੇ ਖਿਦਮਤ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਆ ਹੈ ਪਲਾ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਭੇਜੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਭੇਜੇ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ ਮਹੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਖਾਣੇ ਜਲੀਏ अगला फैसला था बकरी 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 भेज दे जिथे चौंदी है ना उसे थोड़ी जी मिट्टी है ना एंगर के रख के लिफाफा पा के उत्ते आप बह जाए जो बारिश खत्म हो जाए आप थले आ जाए कर मैं देखना पानी किदां थले जाता जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू टीपू सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का स्पर्श
कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातर और करेंगे पर्दाफाश हर जालम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। वेलकम बैक, हम वापस आ चुके हैं और अभी मैं जो है मज़ीद हम लोग गाने भी जो है वो सुनेंगे और उसके साथ साथ जो हम मेन डिस्कशन कर रहे थे कि अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में। लेकिन थोड़ा सा यासिर सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो गोल्फ़ का आइडिया है ये कहाँ से आया माइंड में कि इतनी गेम्स हैं मतलब जो हमारी रेगुलर खेली जा रही होती है, लेकिन ये गेम क्यों? बेसिकली मेरी फैमिली में कुछ लोग हैं वो गोल्फ़ खेलते थे और वो एशियन लेवल पर भी खेले, मतलब बहुत सी कंट्री में, तो उनको देख के मुझे थोड़ा सा शौक हुआ। फिर हाँ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मतलब फैमिली में वो लोग थे जिनसे आपने इंस्पायरेशन ली। तो अभी आप मतलब आप क्या कहते हैं कि जो स्कूल के हमारे जो हमारे स्कूल्स हैं वो किस लेवल पे इस वक्त को करिकुलर एक्टिविटीज़ के हिसाब से डिपेंड कर रहे हैं? स्कूल बेसिकली अब कराची में मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं कराची में हूँ। कराची में कम से कम अब 3 स्कूल मेरे पास हैं जो स्कूल टाइमिंग में बच्चों को गोल्फ खेलने के लिए भेजते हैं। एक्टिविटी ऑलरेडी वो कर रहे हैं और वो जो है ना दो घंटे डेली वो गोल्फ को देते हैं डिफरेंट क्लास। लेकिन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि ये जिस एक्टिविटीज़ की आप बात कर रहे हैं ये थोड़े से वो स्कूल्स होंगे प्राइवेट सेक्टर्स के जो हाई लेवल पे डिपेंड कर रहे हैं, बट हम उन स्कूल्स का या उन बच्चों का क्या करें जो एक छोटे से गली में एक छोटे से मोहल्ले में बहुत मुश्किल से एक टाइम निकाल के जो है वो पढ़ें लेकिन उनकी कोई इस तरह की फिज़िकल या मेंटली कोई एक्टिविटी नहीं है। तो आप लोगों का कोई सोशल मीडिया पेज या कोई इस तरह का जिससे लोग आप लोग तक अप्रोच कर सके जो है वो लाइव ट्रेनिंग ले सकें? बिल्कुल, ऐसे ही है, हम एक कोचिंग प्रोग्राम भी शुरू किया हमने उसमें तो वो देख के कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जो गोल्फ कोर्सेज है वो एक तो सिटी से दूर है, दूसरा ये है कि पाकिस्तान में अभी वो लेवल नहीं आया कि उस लेवल के लोग जो है ना गोल्फ सीखना शुरू करते हैं, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान में ये समझा जाता है कि ये अमीर लोगों की गेम है। और मोस्टली सुनने में भी यही आता है कि आप लोग हाईली अप्रोच जो है वो यहाँ तक नहीं कर सकते। हाजरा आप मुझे अपने स्कूल टाइम पीरियड में आप दोनों को लेके जाऊँगे अभी अहमद साहब को भी कि आपके स्कूल में कैसी एक्टिविटीज़ प्लान होती थी और अब उस टाइम में और अब के टाइम में क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है? पहले ये होता था कि क्रिकेट ज़्यादा होता था हमारा, बैडमिंटन और क्रिकेट ये कर ले ज़्यादा। अब तो माशाल्लाह से इतनी एक्टिविटीज़ आ गई हैं, अब तो स्कूल्स में भी आ गई हैं और ये अच्छी बात है कि बच्चों को स्कूल में ये चीज़ें दी जा रही हैं। पहले होता था कि एक्स्ट्रा कोचिंग होता था बिल्कुल होती थी, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब ये कि हर स्कूल में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए अलग से सिस्टम बनाया गया है जो कि अच्छा है और वो सही भी है बच्चों के लिए भी और बाकी उन पेरेंट्स के लिए भी है जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वो होते हैं कि भाई ये उधर नहीं जाएगा स्कूल में ही रहेगा तो ये सेटिस्फाई। अच्छा, खुद पर्सनली कितने इंटरेस्टेड हो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, कभी कितना इंटरेस्ट डेवलप है कभी करने सीखने की खेलने की कोशिश की? मैं तो बहुत खेलती थी, बहुत ज़्यादा, मैंने क्रिकेट बहुत खेला है, बहुत ज़्यादा खेला। और बाकी कौन से मतलब एक होता है ना स्कूल टाइम पीरियड में इंसान को याद आता है कि मैंने ये काम तो बहुत ज़्यादा किया, मतलब इन एक्टिविटीज़ में मैं बहुत आगे रही हूँ, पंगे बहुत लिए। अच्छा, उसमें कभी हुई है बेइज्जती वगैरह इंसल्ट वगैरह टीचर्स वगैरह से? कोई एक रिमेंबरफुल मेमोरी बता दो अपनी मुझे। एक जो थी सबसे जो हाई लेवल का था ना वो ये था कि हम लोगों को ना जो 9 और 10 क्लास के जो बच्चे थे जो स्टूडेंट थे उनको छुट्टियाँ नहीं मिल रही थी, उनकी 15 से 20 डेज एक्स्ट्रा समर कैंप्स का सिस्टम था, तो वो हमने कहा हमने नहीं करना। और हम 3 दोस्तें थी, पहली में फर्स्ट मैंने कहा था, मैंने कहा हमने ना हड़ताल करनी है। और हमने हाँ, और मैंने पूरे स्कूल को जमा कर लिया था और ये काफ़ी हाँ हुई थी। लेकिन अभी थोड़ा सा ये है कि बाकी इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं, अभी मेरी अपनी सिस्टर भी है, यकीन करो बेचारी 4 बजे आती है, ठीक है, सुबह उसने 7 बजे जाना है, वो 4 बजे आएगी और वो इतनी थकी हुई और मेंटली इतनी डिस्टर्ब वो होती है कि 4 बजे के बाद उसने सो जाना है और फिर आधी रात तक उसने जाके पढ़ना और सुबह फिर मतलब उसके पास और कोई एक्टिविटी नहीं है करने को। तो वो चीज़ें ठीक है, वो एक रटलाइजेशन सिस्टम हो रहा है लेकिन वो बेसिकली आपके मेंटल को वीक कर रही है, वो मेंटली आप सिक हो रहे हो कि आपका सिर्फ किताबों से लगा हुआ है, कोई मतलब उसकी आउटडोर कोई एक्टिविटी नहीं है। तो उसमें मेरे ख्याल से चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। सर आप मुझे बताएं उस वक्त के दौर में और अभी के दौर की एक्टिविटीज़
कि आपका बचपन कैसा था और आजकल के हमारे जो मम्मी डैडी बच्चे हैं क्या डिफरेंस आपको फील हो रहा है उनमें? पहले ये होता था कि सादा दौर होता था स्कूल में, यानी कि स्कूल आया, पढ़ाई की, उसके बाद ट्यूशन चला गया, वापस आया। ये अब घर वाले कहते थे कि मगरिब से पहले घर पहुंचना है बस, जहां मर्जी चले जाएं। अब तो नाइट पार्टीज होती हैं। हाँ जी, ये होता था। तो अब तो माशाल्लाह काफ़ी फैसिलिटीज़ वगैरह आ गई। मतलब ये है कि उस वक्त ऐसा था कि अगर मैं आपके या अपने अपने फादर या अपनी मदर के वो उस टाइम पे जाऊँ तो घर के काम काज, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने, गुड़िया गुड्डे की शादी, खैर वो हम लोग ने भी कराई है, कभी उसे तो मैं आके वो फिर ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी कि आप थोड़ा सा होते थे, लेकिन आजकल हमारे पास हमारे माशाल्लाह क्लब्स हैं बहुत, हमारे शीशा कैफ़ेज़ हैं, रात को पार्टियां करें, इंजॉय करें, और वो जो मतलब कोई जो फिज़िकल या मेंटली एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म हो के रह गई हैं। हाजरा, आप मुझे टूरिज़म के हवाले से थोड़ा सा बताओ, क्योंकि अभी आप लोगों ने एक टूर जो है वो प्लान किया, वो प्लान इट आपकी जो कंपनी है, जो लोग जाना चाहते हैं यानी कि जो बाहर से आपको अप्रोच करना चाहते हैं वो कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमारा फेसबुक है पेज, मोस्टली लोग जो फॉरनर हैं वो फेसबुक से ही करते हैं, तो जिसने भी करना होता है वो फेसबुक से करते हैं। वी प्लैनेट मेरा अपना पेज भी है और इंस्टा पे भी यही है, वी प्लैनेट के नाम से, वी प्लैनेट 1234 के नाम से ये चल रहा है और ये ऑनवर्ड पिछले 4 साल से चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी चलेगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको लेके चलूं, नेशनल लेवल पर भी कर रही हूं। मेरा बेसिकली अपना ये था कि मैं खुद ये चीज़ पसंद करती थी कि हम पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें, वो लड़कियां जो घर में बैठी हुई हैं और उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं है और वो इस तरह से अपनी मतलब तो सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाएगा और मतलब अपने माइंड को मतलब डाइवर्ट भी होता है, हर बंदा अंदर रह के नहीं अब रह सकता। नहीं, हमारी जो पता है क्या, अभी ये चीज़ थोड़ी सी डिवेलप होना शुरू हुई है, लेकिन अगर मैं पहले की बात करूँ जो हमारी, आप भी सर एग्री करेंगे, अभी अगर मैं गोल्फ की बात करूं या मैं सिंगिंग की बात करूं तो अभी से फीमेल्स ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। पहले वो सिर्फ अगर एक हाउसवाइफ है तो बस उसने घर का काम ही करना है, उसने सुबह बस नाश्ता बनाना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, दुपट्टा जूड़ा छूड़ा कस के बांधा, झाड़ू लिया, टाकियाँ ली और वो शुरू हो गया और वो सारा दिन उनका इसी में गया, कोई उनका संडे नहीं, कोई उनकी रिफ्रेशमेंट नहीं। लेकिन अभी से जो है वो फीमेल्स ने अप्रोच करना शुरू किया। आपको अभी आपको क्या लगता है कि कितने परसेंट हमारी पाकिस्तान की वुमेंस जो है वो इस तरफ आ चुके हैं? बहुत आ चुके। अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, शायद आप सरप्राइज हों कि लाहौर में एक टूर्नामेंट हुआ था लेडीज़ का, पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन ने एक शुरू किया हुआ है कि वो लेडीज़ का सेपरेट टूर्नामेंट कराते हैं। तो आप शायद सरप्राइज होंगे कि 65 लेडीज ने पार्टिसिपेट किया था उसमें। अभी तो हमारी बहुत सारी जिस तरह इंटरनेशनल लेवल की आप बात कर रहे हैं या टूर्नामेंट की, कि अब तो हमारी माशाल्लाह एक वुमेन प्लेयर टीम भी बनी हुई है जो इस वक्त जो है वो खेल रही हैं, और उसमें मैं कहती हूँ उन पेरेंट्स को मैं ट्रिब्यूट पेश करती हूँ, मैं सलाम पेश करती हूँ कि जिन्होंने इतना एक ट्रस्ट डिवेलप किया अपनी बेटी के अंदर कि आज वो एक इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर बन के वो काम करी हैं। वरना मोस्टली ये होता है कि हमारी हजरा हमारी सोशल वैल्यूज, हम सोशल नॉर्म्स को हमें हमारे आगे रख कर एक कहते हैं ना बोसीदा इमारत की तरह एक कोने में रख दिया जाता है कि आप बेटी हो, आप ये नहीं कर सकती, ये हमारी सोशल वैल्यूज नहीं है, लोग क्या कहेंगे, लोग ताने देंगे। लेकिन सीरियसली मैं बाकी उन पेरेंट्स ने जिनकी वजह से बहुत सारे आजकल बाकी पेरेंट्स के भी दिमाग जो है वो ओपन होना शुरू हुए हैं कि वो इस तरफ जा रहे हैं। और टूरिज्म में हाजिर कितनी फीमेल्स आपको अप्रोच कर रही हैं कि इस तरह उनको निकलने का, कितनी आपको क्या लगता है? अब मैं देखूँ ना तो लाहौर में तो है ही ये बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है, लेकिन इस्लामाबाद में काफ़ी न्यू जनरेशन जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रही है, ठीक है वो आ रही है, अच्छा काम है वो, मतलब सबको आना चाहिए, मोस्टली जो लड़कियाँ वो तकरीबन सारी आ रही हैं और मैं चाहती हूँ कि ये और भी आगे आएँ, क्योंकि ये लड़कियाँ या ये जो घरों से जो निकलेंगी बाहर तो हमारे पेरेंट्स का माइंडसेट भी ठीक होगा और सबसे बड़ी बात होती है कि हम लोग को अपने पेरेंट्स पे जो है ना ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है। सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स को अपने एतमाद में लो, जब तक आप एतमाद में नहीं लोगे आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं मिल सकती है। तो मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम जब मैंने किया था तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मतलब मेरी फैमिली, मेरे फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा था कि कभी कोई लड़की ने कभी कोई काम नहीं किया, मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट लड़की हूँ जो किस तरह का काम। फिर भी इट्स मतलब बड़े रिस्पॉन्सिबल काम है कि बीइंग अ फीमेल आप अकेले पूरा टब्बर लेके जा रहे हो, इतने पता नहीं कितने मेल्स ऐसे हैं, कितनी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर जो है वो हो रही होती हैं। लेकिन मैंने हाजरा में एक चीज़ नोट किया, जब मैंने हाजरा के साथ एक टूर किया कि ये मर्द बन जाती है, ये अपनी वो भूल जाती है कि मैं एक औरत हूँ, इसने लड़ना कैसे है, इसने अपना काम कैसे करना है। और मैं बड़ा हैरान हो रही थी इसको देख के कि हर चीज़ इसने मैनेज करनी है। अगर 60-70 लोग हैं
उसमें मोस्टली हमारे साथ मेल्स भी थे, मोस्टली फीमेल्स भी थी, उनकी रेजिडेंस, उनका खाना, उनको इकट्ठे करके लेके जाना, उनको लेके आना, रास्ते में कोई क्या कह रहा है लगाई उधर से, दूसरे को उधर से बिठाना, उनको मतलब उनको हैंडल करना एक बीइंग अ फीमेल एक बड़ा मुश्किल जो है वो टास्क है। तो फैमिली में कोई इतना बोल्ड था या पहली खुद ही हो? पहले खुद ही हो, तो कभी फैमिली में किसी ने इंस्पायरेशन लिया कि हाँ हाजरा ने ये काम किया तो मैं भी? स्टार्टिंग में तो बड़ी बातें सुनने को मिली थी, लेकिन अब जब अब ये तुमने क्या काम स्टार्ट कर दिया, मतलब लाइक ये क्या चीज़ है, ये कभी किसी ने नहीं किया, हमारी फैमिली बस टीचिंग ही होती थी तो बस यही करो, घर में रहो, सुबह स्कूल जाओ पढ़ाने और रात को आप जॉब करो, जॉब करती थी मैं तो। लेकिन उसके बाद जब अभी थोड़ा काम मेरा अच्छा स्टार्ट हुआ तो माशाल्लाह से अब मुझे अप्रोच किया जाता है कि हाजरा फलां काम है तो कर दो। लेकिन आप जैसे फीमेल से हमारी उन फीमेल्स को स्ट्रेंथ मिलती है जो बेचारी डरी सहमी जो है वो एक जगह पड़ी रहती है कि हाय ऐसा ना हो जाए, हाय वैसा ना हो जाए, किसी को बात करने का मौका ना मिल जाए, तो अच्छी बात है इन चीज़ों को माइंड से निकाल दिया। कोई आपको आके कुछ नहीं देता, मतलब अगर आप हो ना तो अगर आप कहो कि ठीक है मैं घर बैठ जाती हूँ, जो बातें करने वाले लोग हैं ना, कोई मेरे घर का बिजली का बिल दे दे, एक मेरे घर का खर्चा मुझे डलवा दे, दूसरा अगर बच्चे हैं, नहीं है वैसे, अगर होते हैं उनकी फीसेस मुझे दे दे, तो कोई नहीं आके देता, आपको खुद को खुद ही करना पड़ता है। बहुत सारी मैंने फीमेल्स ऐसे देखी हैं यार कि आज अगर उनके सर पे कोई नहीं है ना तो वो जो बातें करने वाले हैं वो कुछ भी नहीं कह रहे, वो बेचारी खुद ही अपना घर चला रही हैं। तो फिर अगर आपने करना है तो आप सबको जो है वो लेके चलो। मैं चलती हूँ ब्रेक की तरफ क्योंकि बादों से जारी बात है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले सर रिक्वेस्ट है एक और एक खूबसूरत सा गाना हो जाए। मिलता है मेरे दर्द बधावे ते
याद आवे ना, कढोला याद आवे ना। वेलकम बैक इन रेडियो स्टूडियो। और जैसे जैसे हमने जो है वो बड़ा खूबसूरत गीत सुना, लेकिन स्टिल हमारा पैनल हमारे साथ जो है वो मौजूद है, क्योंकि लास्ट 15 मिनट है और लास्ट 15 मिनट में हर चीज़ को भी जो है वो मैनेज करना है। तो पहले हाजरा आप मुझे ये बताओ कि टूर जो मैं पैकेज दिखाने से पहले थोड़ा सा मुझे ये बता दो कि विंटर्स में, क्योंकि नारायण का गान तो बंद, अगर मैं कश्मीर की बात करूँ, गिलगित, हुंजा, वो सब चीज़ें क्लोज हो रही हैं, तो आगे कहाँ जाने का प्लान है? फिलहाल तो मेरा अभी जो स्टार्ट है, अभी जो मेरा जाएगा आज रात निकलेगा, वो नीलम का है, उसके बाद शुग्रान का, उसके बाद हुंजा का ट्रिप है मेरा, और उसके बाद मेरा कलाम सवाद मालम जब शुग्रान जा सकते हैं, मतलब शुग्रान जा सकते हैं अभी 7th, हाँ उधर जा सकते हैं अभी, क्योंकि बर्फ़ में तो वहाँ जीप चलती है ना, वो चेन वगैरह कवर करके, तो उनको ले जाती हूँ ऊपर शुग्रान। सही सही, लेकिन बड़ी खतरे वाली बात है, ऐसे रोड होते हैं नीचे मुड़ के देखो तो अलग समझ जाती है, क्रेजी जो पीपल होते हैं वो जाते हैं वो। आपको शौक है टूर का, कहाँ कहाँ गए हुए हैं इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में तो तकरीबन सतना राम का गान वगैरह हर जगह जा चुके हैं, और हमारे गॉल्फ कोर्सेज भी, आप सरप्राइज होंगे कि पाकिस्तान का मशहूर गेम क्रिकेट है, लेकिन क्रिकेट में जो नेशनल ग्राउंड्स हैं वो टोटल 4 या 5 है, और गॉल्फ कोर्सेज 48 है पूरे पाकिस्तान में, इवन स्वात में भी गॉल्फ कोर्स है, मतलब लोगों को इंटरेस्ट है खेलने का। हर जगह पूरे साल टूर्नामेंट हमारे चलते रहते हैं, कराची से लेके पेशावर तक, और हम जाते हैं। तो ये कि उस पे आप लोगों का भी जो है वो विजिट जो है वो चलता रहता होगा। अभी जो हमारा ट्रिप था हाजरा लोगों के साथ, जिस पे मैं भी गई और बड़ा हम लोगों ने इंजॉय किया, हमारा जो स्टार्ट था वो इस्लामाबाद से था, और एंड हमारा हुआ शारदा तक, जिसमें रती गली, नीलम वैली, मुजफ्फराबाद, शारदा रेजिडेंसी होटल में हमारा जो है वो स्टे था। क्या कमाल की उनकी मैनेजमेंट थी, बल्कि मैं खुद भी प्रेफर करूँगी कि आप लोग लाजमी जब भी जाएँ तो उनके पास जाएँ, क्योंकि जो उनकी सर्विसेज हैं, जो उनके, क्योंकि जब आप यहाँ से घर से दूर जा रहे होते हैं ना, तो आपका यही होता है कि आपको घर जैसा माहौल मिले, लेकिन वहाँ की मैं गारंटी देती हूँ कि आपको घर जैसा ही माहौल मिलेगा। कुछ क्लिप्स हैं हमारे पास नीलम वैली, मुजफ्फराबाद और कश्मीर के, मैं चाहती हूँ कि जो लोग नहीं जा सके वो उन क्लिप्स को देखें, ताकि उनका भी दिल करे जाने का। तो देखते हैं खूबसूरत सा पैकेज। Thank you.
अच्छा, अगर मैं इस पैकेज की बात करूँ या जो व्यूज हम लोग ने वहाँ पे देखे, तो आपका कितनी दफा वहाँ वैसे इतफाक हुआ नीलम वैली जाने का? और अभी आप क्या चाहती हैं कि आप दोबारा जाना चाहती हैं? ऑफ कोर्स कोई भी एक दफ़ा जाएगा तो वो ज़रूर दोबारा जाना चाहेगा, और लेकिन अभी क्योंकि मेरा शेड्यूल ऐसे कि बार बार निकलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट अगर मुझे दोबारा मौका मिलता है या कुछ होता है तो मैं लाजमी जो है उसको ज्वाइन करूँगी। जाते जाते मैं आप तीनों से एक मैसेज लेना चाहती हूँ, और आपकी फील्ड से रिलेटेड सर, सिंगिंग के हवाले से हमारे वो बच्चे जो आगे जाना चाहते हैं या जो बढ़ना चाहते हैं लेकिन डीमोटिवेशन की वजह से वो कहीं स्टॉप हो गए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन्हें? मैसेज ये है कि अगर वो उनको शौक़ है तो अपने तक घर पे ही उनको करें, अगर एकेडमी वगैरह में नहीं जा सकते तो घर पे ही आप करें, पर यह है कि सीखें ज़रूर, वो सीखें ज़रूर कि कुछ लर्न करेंगे, कुछ मतलब कहते हैं ना कुछ गेन करेंगे तो उसके बाद ही आप जो है वो कर सकते हैं। हाजरा, ऑन द बिहाफ ऑफ, क्योंकि आज का टॉपिक भी हमने टूर पे रखा था कि कितना इंपॉर्टेंस है फॉर वैसे मेंटली हेल्थ के लिए, क्योंकि जब आप इतना सब्जा देखते हैं ना तो वैसे कहते हैं ना कि आपका दिमाग भी बड़ा और आपकी आंखों को भी ताजगी मिलती है उसको देख के, तो टूरिज्म के हवाले से क्या कहना चाहेंगी वो लोग जो अभी ठंड में आके कहेंगे बर्फ़ में कौन जाए, मतलब जो लोग नहीं इंजॉय करते मौसम को? एक्चुअली जो लोग होते हैं ना जो बर्फ़ के क्रेजी होते हैं उन्हें तो जाना ही जाना है, स्नो में उसको जाना ही जाना है, वो चाहे कह रहा है कि मुझे हुंजा भी ले जाओ ना गद्दू भी ले जाओ तो उसमें जाना होता है, ये सही नहीं होता कि जिसको नहीं फिर जहाज बुक करा लो किसी डायरेक्ट छत्तों पर जाके उतारो सारों को। नहीं नहीं, इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट पैकेजेस में ये सब चीज़ें मैं दिखाऊंगी आपको, और आपको भी ज़रूर ऑफर करूंगी कि आप हमारे साथ चले हर टूर पे, लेकिन आपका काम ऐसा क्या नहीं, एक्चुअली जो आपने हम लोग ने जो एक किया वो भी बहुत अच्छा था, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी होता है मैं ज़रूर जो है उसको ज्वाइन करूंगी। सर, रिलेटेड टू एक्टिविटीज़, क्योंकि हम वही उसी चीज़ पे मैं दोबारा आना चाहूँगी कि हमारी वो एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं, तो स्टूडेंट्स हमारे अगर ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको फ़ायदा है कि आप ठीक है आप गेम्स इसलिए कर रहे होते हैं कि आपने खुद को फिजिकली फिट करना है, फिर ही उस मोबाइल के अंदर यूं करके देखना है तो वो तो उधर के उधर ही आप लोग रह जाएंगे। कि वो अभी खुद पुश करें बच्चों को किसी भी गेम, गोल्फ बहुत हेल्थी एक्सरसाइज, कुछ भी टेनिस में, स्विमिंग में, किसी में बच्चों को भेजें। आजकल के बच्चे बस मोबाइल फ़ोन की वजह से लेजी हो गए, उनका दिल भी नहीं करता खुद, लेकिन ये पेरेंट्स कहें कि वो कोई क्लब ढूंढे अपने पास, कोई गोल्फ क्लब ढूंढे। आजकल तो हर 50 किलोमीटर के बाद एक गोल्फ कोर्स है पाकिस्तान में, आप जाएं गोल्फ क्लब में जाएं, वहाँ और भी हेल्थी एक्सरसाइज होती है, एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ जाएं। और ये बेसिकली फिर बोलूँगा ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट द मेन बात यह है कि हर एक्टिविटी को प्रेफर करें, लेकिन अगर अभी हम जो डिपेंड हो रहा है हमारी सोसाइटी पे कोरोना के जितने भी हैं, तो उस हवाले से मैं खुद अभी गोल्फ को ही प्रेफर करूँगी, क्योंकि जो चीज़ आपने बताई कि इतने बंदों को वो अलाउ भी नहीं करते, एंड सेकेंड वन इज़ के आप लोगों के दरमियान ऑलरेडी एक सोशल डिस्टेंसिंग होती है जिसके उसमें रह के जो है आप लोग जो है वो प्ले गेम्स खेल रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं। तो मेरी भी एक सजेशन यही है कि जो करना चाहते हैं या जिस काम का शौक है उस तक जाएं, अगर रास्ते में होती हैं ऊंच नीच आती है, कहीं गिर जाते हैं, कहीं अप्रोच करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आप सब हाजरा बन जाएंगे ना तो कहीं पे भी आप लोगों को किसी भी मतलब किसी भी गोल को अचीव करने में जो है वो मुश्किल नहीं आएगी। एंड स्पेशली फीमेल्स, बी बोल्ड एंड बी ब्रेव, जब तक अपने अंदर से वो डर वो खौफ आप ख़त्म नहीं करेंगे आप तब तक आगे नहीं जा सकेंगे। और एक पेरेंट्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपकी बच्ची में, बच्चों को तो आप हमेशा ही फोर्स कर रहे होते हैं कि बेटा ये भी कर लो, बेटे के सर पर जिम्मेदारी है, बेटे ने घर चलाना है, हर तरह की फैसिलिटी उसे दे रहे होते हैं, लेकिन बेटी को किसी बसीदा इमारत की तरह कहीं ना कहीं रख दिया जाता है। अगर कोई टैलेंट है, अगर वो कुछ करना चाहती हैं, तो प्लीज़ उन्हें एक मौका ज़रूर दें। और पाकिस्तान की औरत, पाकिस्तान मर्द भी किसी से कम नहीं है, लेकिन औरत मर्दों से कम नहीं है। आजकल हर फील्ड में हर औरत आपको मतलब मर्द के शाना बशाना जो है वो चलती हुई नज़र आएगी, चाहे वो पाक आर्मी है, चाहे वो हम टीचिंग में तो थी, अगर हम आर्मी की बात करें, हम अपने गेम्स की बात करें, हम अपनी एक्टिविटीज़ की बात करें, हम मीडिया की बात करें, हम DC ऑफिसेज की बात करें, असिस्टेंट कमिश्नर भी बनी हुई आपको जो है वो नज़र आएंगी, लेकिन उनके पीछे उन पेरेंट्स का हाथ है जिन्होंने अपनी बेटी को एतमाद दिया और आज वो उसी एतमाद पे खुद भी जो है वो हैप्पी हैं, और आने वाली जो उनकी नस्ल है वो भी जो है वो पढ़ी लिखी और इसी तरह की ब्रेव होगी, वरना हर डरी सहमी हुई औरत कहीं ना कहीं इसी तरह बैठ के अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देती है। तो जाने से पहले जो है खूबसूरत सा गाना, लेकिन उससे पहले मुझे दीजिए और मेरे गेस्ट को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह होगी फिर आप लोगों से मुलाकात। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना है, और हमें और मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।
चने नाल चाननी तारे नाल लो माया तू फुल मोतिए दाम तेरी खुशबू माया तू फुल मोतिए दाम मैं तेरी खुशबू माया चने नाल चाननी तारे नाल लो माया तू फुल मोतिए दाम मैं तेरी खुशबू माया चने नाल चाननी तारे नाल लो माया तू फुल मोतिए दा मैं तेरी खुशबू माया तेरी खुशबू माया